नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज हम लोग उत्तर प्रदेश जीके की सीरीज को शुरू कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में और ये इसका पहला वीडियो होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएँ कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया है। अब अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में बात करें तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है, सबसे पहले आइए उनके बारे में एक देख लेते हैं, फिर एक एक करके सारे वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश की स्थिति और विस्तार के बारे में, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। कल का जो वीडियो होगा उसमें हम उत्तर प्रदेश की नदियां, फिर आगे उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा क्या है, उत्तर प्रदेश की कृषि क्या है, उत्तर प्रदेश में उद्योग, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क और पक्षी विहार, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे मूव करेंगे पॉलिटी की तरफ और फिर हम लोग उत्तर प्रदेश के इतिहास से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफी के अंतर्गत इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में। तो यहाँ पर यह है हमारा प्यारा भारत और अपने अगर हम इस प्यारे भारत की बात करें तो यहाँ पर जब आप लोग आएंगे उत्तर की तरफ तो यहाँ पर आपको एकदम भारत की सीमा के पास में एक राज्य मिलेगा जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह मुख्य रूप से भारत के 8 राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाता है, साथ ही साथ एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली, दिल्ली के साथ में भी यह सीमा बनाता है। तो आइए देखते हैं वह 8 राज्य कौन कौन से हैं। पहले हुआ बिहार, बिहार के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में यहाँ पर है हरियाणा, हरियाणा के बाद में छोटी सी सीमा है हिमाचल के साथ में और फिर यहाँ पर है उत्तराखंड। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है वह कुल मिलाकर के 8 राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। इसके अलावा एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है दिल्ली और एक देश आपको यहाँ ऊपर दिखाई देगा जो कि है नेपाल। तो आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में और एक देश जो कि नेपाल है उसके साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अब थोड़ा सा इसका हम लोग विस्तार देख लेते हैं किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विस्तार हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार के बारे में। तो अक्षांशीय विस्तार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आप देखेंगे कि 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ तक हुआ है। कितना? 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ तक इसका विस्तार है। उसी प्रकार से अगर हम उत्तर प्रदेश के देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें तो इसका विस्तार है 70 डिग्री 5 मिनट पूर्व से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट पूर्व तक। अब अगर आप लोग इन दोनों विस्तारों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कम है जबकि इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो ज़्यादा है और इसी से आप इसके लेंथ का भी अनुमान लगा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इसकी उत्तर से दक्षिण की बीच में दूरी कितनी है तो 240 है, विस्तार इसका 240 किलोमीटर है और अगर हम लोग बात करते हैं पश्चिम से पूरब में इसका विस्तार कितना है तो ये 650 किलोमीटर है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, साथ ही साथ इसकी पूरब से पश्चिम तक विस्तार और उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितने किलोमीटर है। तो आई होप आपने ये समझा होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक और मैप है आपके सामने जहाँ पर आप जिला वाइज देख सकते हैं कि कौन किसके साथ में सीमा बनाता है। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड हुआ, फिर नेपाल हुआ, यहाँ पर इस साइड में आपको बिहार मिलेगा, फिर हमारा झारखंड है, झारखंड के बाद में नीचे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है, ऊपर हरियाणा है और हरियाणा के बाद में ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये हमारा है यूनियन टेरिटरी दिल्ली। अब अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 240,900 किलोमीटर। कितना? 240,900 किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है और भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 7.33% है। क्षेत्रफल के मामले में अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। पहले स्थान पे है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र और उसके बाद में है उत्तर प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है और साथ ही साथ ये क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पर है।
अब उत्तर प्रदेश में अगर हम फुल जिलों के बारे में बात करें तो जिलों की संख्या यहाँ पर 75 जो कि पूरे देश में किसी भी राज्य के जिलों की संख्या में मैक्सिमम है। आगे अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है उसमें पहले स्थान पर है लखीमपुर खीरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर, ये आप देख सकते हैं नेपाल के साथ में सीमा बनाता हुआ लखीमपुर खीरी जिला है उत्तर प्रदेश का, जो कि क्षेत्रफल के मामले में पहले स्थान पर है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर है सोनभद्र, और सोनभद्र जिले को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा है सोनभद्र। और सोनभद्र की सबसे खास बात क्या है कि ये कुल मिलाकर के 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश आपका हो गया, इसके अलावा नीचे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर झारखंड है, और ये आपका हुआ बिहार। तो इस प्रकार से सोनभद्र जो जिला है ये हमारे कुल मिलाकर के 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, और ये भारत का ऐसा एकमात्र जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। अगला हमारा है सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा हापुड़। कौन सा? हापुड़ मिलेगा। उसके अलावा आपको मिलेंगे भदोही। तो ये दो हमारे जिले ऐसे हैं जो कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले हैं। हापुड़ आपको यहाँ पर ऊपर मिलेगा, और भदोही की बात करें तो ये है संत रविदास नगर जिसे कहते हैं, या भदोही, ये वाराणसी से अलग हुआ था। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बलिया, जहाँ से होकर के गंगा नदी जा करके इंटर करती है बिहार में। उसके बाद में सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है शामली। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है शामली, जो कि सबसे पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का। और इसके बाद में चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और उत्तर प्रदेश के मैप को थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया लखीमपुर खीरी यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? तो ये आपको सेंटर में मिलेगी, उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ पर है आगरा। आगरा के बगल में है फिरोजाबाद, और ऊपर आप जाएंगे तो मथुरा है। और यहाँ पर आगरा और मथुरा हमारे दो ऐसे ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। थोड़ा सा आपको ज़िले के बारे में लोकेशन अगर अच्छे से याद रहती है तो आप सवालों को आसानी के साथ में हल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये ललितपुर है, यहाँ पर सोनभद्र है, यहाँ पर ऊपर कुशीनगर है, ये महाराजगंज है, फिर बहराइच है, यहाँ पर लखीमपुर है। इसी प्रकार से आप बीच में देखेंगे तो यहाँ पर हरदोई है, फिर लखनऊ के बारे में मैंने आपको बताया है, फिर आप नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर कानपुर है। तो ये सारे ज़िले हैं, और आपको ये मैप ऐसे रखना है अपने मोबाइल में जिससे आप सारे ज़िलों के लोकेशन जो है उसको अच्छे से याद रख सकें कि कौन सा ज़िला उत्तर प्रदेश में किस राज्य में है, सॉरी किस स्थान पर है, राज्य में नहीं उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है। चलिए कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे उत्तरी ज़िले के बारे में बात करें तो एज़ यूजुअल ये हमारा है सहारनपुर, जो कि सबसे ऊपर है, और ये भी 3 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। किसके साथ में? एक तो हो गया उत्तराखंड, ऊपर है हिमाचल, और इधर है हरियाणा। तो 3 राज्यों के साथ में सहारनपुर भी सीमा बनाता है। अगर हम लोग सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, ललितपुर थोड़ा सा ऊपर है, सोनभद्र सबसे नीचे है। तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो गया? सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। आगे अगर हम लोग बात करें कि राजस्थान से जुड़े हुए जिले कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा केवल 2 जिले राजस्थान से जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के, और इनमें से कौन कौन सा है? एक आपका है मथुरा और दूसरा आपका है आगरा। तो ये दोनों राजस्थान से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दिल्ली से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, तो दिल्ली से बनाते हैं 2 जिले, एक तो है गाजियाबाद और एक हमारा है गौतम बुद्ध नगर। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अगर हम नेपाल से सीमा बनाने वाले जिलों के बारे में बात करें तो आप क्रम से देख सकते हैं, ये पूरा क्रम लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पीलीभीत, फिर लखीमपुर, फिर हो गया बहराइच, उसके बाद में यहाँ पर छोटा सा श्रावस्ती है, श्रावस्ती के बाद में ये हो गया बलरामपुर, बलरामपुर के बाद में सिद्धार्थनगर, और फिर ये हो गया महाराजगंज। तो ये सारे ज़िले हैं जो कि नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें एनसीआर में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, तो एनसीआर का भी हम लोग आगे मैप ही देखेंगे, और उस मैप में मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। चलिए आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े ज़िले के बारे में। तो छत्तीसगढ़ से जैसा कि मैंने आपको बताया केवल एक ही जिला जुड़ा हुआ है, जो कि है सोनभद्र। उसी प्रकार से अगर हम झारखंड से जुड़े ज़िले के बारे में बात करें तो झारखंड से केवल एक ही जिला जुड़ा हुआ है, वो है सोनभद्र। यहाँ पर आप देखिए ये नीचे है छत्तीसगढ़ और ये आपका है झारखंड। मध्य प्रदेश से अगर हम लोग सीमा बनाने वाले राज्यों के बारे में जिलों के बारे में बात करें तो इनकी संख्या सर्वाधिक है, कुल मिलाकर के
12 जिले ऐसे हैं जो कि एमपी के साथ में सीमा बनाते हैं। आइए इनको देखते हैं मैप के जरिए। आगरा हो गया सबसे पहले, यहाँ पर आप देखेंगे आगरा हुआ, उसके बाद में इटावा हुआ, फिर हुआ जालौन, उसके बाद में नीचे आएंगे यहाँ पर झांसी हुआ, फिर ललितपुर हुआ, इसके बाद में आगे चलेंगे तो महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फिर यहाँ पर ये आपका हुआ इलाहाबाद, फिर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो इस प्रकार से 12 ज़िले ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके साथ में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक ज़िले सीमा साझा करते हैं। आगे हम बात करेंगे बिहार से सीमा बनाने वाले जिलों के बारे में। तो ये भी क्रम जो दिया है ये उत्तर से दक्षिण का क्रम, दक्षिण से उत्तर का क्रम दिया है। सबसे नीचे आपको सोनभद्र मिलेगा, उसके बाद में ऊपर जाएंगे चंदौली है, फिर गाजीपुर है, फिर उसके बाद में यहाँ पर बलिया है, बलिया के बाद में देवरिया है, देवरिया के बाद में कुशीनगर और फिर महाराजगंज। तो ये ज़िले हैं जो कि किसके साथ सीमा बनाते हैं, ये सीमा बनाते हैं बिहार के साथ में। तो आई होप आपने इसे समझा होगा। अब चलिए हम NCR के बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के जिलों के अलावा आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा के क्षेत्र भी शामिल हैं, और ये आप पूरा देख सकते हैं NCR का मैप। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो ये है दिल्ली, लेकिन अगर हम दिल्ली NCR की बात करते हैं यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात करते हैं तो इनमें ये पूरे एरिए शामिल होते हैं। और अगर हम लोग जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के इसमें 8 जिले हैं। कौन कौन से? ऊपर आपको शामली दिखेगा, फिर यहाँ पर मुजफ्फरनगर दिखेगा, फिर यहाँ पर बागपत है, मेरठ है, गाजियाबाद है, और उसके बाद में गौतम बुद्ध नगर है और बुलंदशहर है। और मैंने आपको बताया था दिल्ली के साथ में 2 जिले हमारे सीमा बनाते हैं, कौन कौन से? एक तो हमारा है गौतम बुद्ध नगर और एक हमारा है गाजियाबाद। तो ये भी आपको याद रखना है। अब उत्तर प्रदेश के इसमें 8 जिले शामिल हैं, राजस्थान के इसमें केवल 2 जिले हैं, एक तो है अलवर और एक हमारा है भरतपुर। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं हरियाणा की तो हरियाणा के सर्वाधिक 14 जिले NCR क्षेत्र में शामिल हैं। तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही है। चलिए कुछ प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा और बेहतर ढंग से क्लियरिटी हो सके। तो पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो मैंने आपको बताया कि इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है? 240। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये मैंने आपको बताया कि ये पूरे देश के क्षेत्रफल का 7.33% है। तो ये आपको याद रखना है, और क्षेत्रफल के मामले में ये चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं? तो उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग सीमाओं के बारे में बात करते हैं तो ये कुल मिलाकर के 8 राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करती हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा प्रश्नों में कि आपसे राज्य केवल पूछा जा रहा है कि या राज्य / यूटी भी पूछा जा रहा है। अगर राज्य और / करके यूटी यानी कि दोनों को शामिल किया जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन होगा 9, लेकिन अगर यूटी को नहीं शामिल किया जाता है तो कुल मिलाकर के 8 यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो अगर हम लोग क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का स्थान है 4, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है? तो ये मैंने आपको बताया ही कि उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से मिलती है। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद हरियाणा और हिमाचल के साथ में सीमा बनाता है? तो हरियाणा और हिमाचल के साथ में मैंने आपको बताया था कि वो जिला है सहारनपुर। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है? तो मैंने आपको बताया है सबसे पूर्वी जिला है बलिया। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन है? सहारनपुर। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में पहले स्थान पर है लखीमपुर और दूसरे स्थान पर है सोनभद्र। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का जनपद कौन सा है? तो राजस्थान से जुड़ा हुआ मैंने आपको 2 बताए थे, एक था मथुरा और एक था आगरा। तो यहाँ ऑप्शन में है मथुरा, तो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार के साथ में सीमावर्ती हैं? तो ये मैंने आपको बताया था कि कुल मिलाकर के 7 ऐसे जिले हैं जो कि सीमा बनाते हैं किसके साथ में? बिहार के साथ में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नीचे से आप देखेंगे सोनभद्र होगा, फिर शामली हो गया, फिर उसके बाद में बलिया हो गया, बलिया के बाद में
महाराजगंज हो गया, उसके बाद में सहारनपुर हो गया, और दो ज़िले और हैं जिनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो ये सारे हो गए जो कि बिहार के साथ में सीमा बनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है फिलहाल। ये एक बेसिक सा वीडियो था जिसमें हम लोग थोड़े कम प्रश्नों को डिस्कस किया। अगले जो इसके भाग होंगे उनमें हम लोग कम से कम 20 से 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा आपके जो भी सुझाव हैं आगे के वीडियो के लिए वह भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।